वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम को लेकर, यानी क्या अपडेट है मेरे पास, जो भी अपडेट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो जुलाई में संभव नहीं है। उसका रीजन मैंने आपको ये बताया था, ग्रुप डी का एग्जाम है वो आपका कराने वाली है टीसीएस, और जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है वो भी कौन कराने वाला है, टीसीएस। अब दोनों एग्ज़ाम को जो कंडक्ट कराएगी वो टीसीएस ही कराएगी। और मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बताया था कि जो एमटीएस का एग्ज़ाम है वहाँ भी 40 से 50 लाख फॉर्म डलते हैं, काफ़ी बड़ा वो भी एग्ज़ाम होता है, और उसका जो शेड्यूल है वो शेड्यूल किया गया है 5 से 22 जुलाई को। उसके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने शुरू हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि दोनों एग्ज़ाम एक टाइम पर होना संभव नहीं है। अब फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड से बात की है आरआरबी इलाहाबाद से, कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको इसी वीडियो में सुनाऊंगा। तो वहाँ से मुझे जो पता चला है, उन्होंने ये कहा है कि भाई अभी तक एग्ज़ाम को लेकर हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं है। क्लियर उन्होंने कर दिया है कि एग्ज़ाम को लेकर ग्रुप डी के हमारे पास कोई जो है अपडेट है अभी तक नहीं मिला है हमें, ठीक है, यानी बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है। साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि देखिए, इससे पहले के जितने भी एग्ज़ाम थे, चाहे वो एनटीपीसी का हो या जो भी एग्ज़ाम हो, उनकी सभी के प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है या पूरी होने वाली है, तो इसलिए अभी जो नंबर है वो ग्रुप डी का है, तो ये तो हमें भी पता है। लेकिन मैंने उनसे पूछा, जैसे कि आपने बताया था कि जुलाई में जो एग्ज़ाम हो सकता है तो क्या वो हो पाएगा, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका जुलाई में एग्ज़ाम होना होता तो उनके पास जो है अपडेट आ चुका होता, यानी कोई ना कोई अपडेट जो है आ चुका, हम तक नहीं तो वोट तक जो है अपडेट जो है आ चुका होता। तो इसलिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि आरआरसी का जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो जुलाई में संभव नहीं है, अगस्त में हो सकता है। मैंने बोर्ड से पूछा था क्या अगस्त में हो सकता है नेक्स्ट मंथ, तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक अपडेट नहीं आएगा हम कुछ नहीं ऐसे बता सकते, हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए कि उस रिकॉर्डिंग में उन्होंने क्या कहा है, मैंने किस तरह से उनसे बात की है, क्या वहाँ पर पूछा है, नंबर भी मैं आपको दे दूंगा और मैं आपको दिखा दूंगा कितनी देर जो है बात हुई है। तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। हेलो सर, आरआरबी इलाहाबाद से बात करें सर? जी सर, मेरे को आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम डेट के रिगार्डिंग पूछना था। हेलो सर, मेरे को पूछना था कि जो आरआरसी ग्रुप डी है इसका एग्जाम कब तक होगा? आवाज काट के कट रही है सर। हेलो हेलो, अभी क्लियर है सर? हेलो हेलो, अभी क्लियर आ रही है सर? हाँ हाँ बोलिए। मैं कह रहा था सर कि जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम है ये कब तक कंडक्ट हो पाएगा? अभी ग्रुप डी वाले के लिए तो कोई सूचना नहीं मिली है। हाँ सर, सूचना तो नहीं है। इसके बाद देखो कौन सा परीक्षा परीक्षा तो बाकी हो चुका है, देखो आशा लगाया जा रहा है कि उसी का नंबर हो। जी सर, नंबर तो है, लेकिन जैसे जुलाई में बोला गया था पहले कि जुलाई में जो है एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अब जुलाई में जो है वो एसएससी का शेड्यूल आ चुका है, यानी एसएससी का जो एमटीएस वाला होना है, क्योंकि वो भी टीसीएसई कराएगा। तो मैं पूछ रहा था कि जुलाई में संभव हो सकता है या फिर नेक्स्ट मंथ? क्या सर, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या जुलाई में ग्रुप डी की परीक्षा हो सकती है या नहीं हो सकती? अभी देखिए क्लियर डेट नहीं पता है, अभी कुछ डेट नहीं क्लियर, इसलिए कैसे बताया जा सकता है। नहीं सर, कोई एक्सपेक्टेड मंथ वगैरह आपको पता? कोई सूचना आएगी, कोई लेटर आएगा हम लोगों को कराने का या कोई, तभी तो हम बताएंगे आप लोगों को, भीड़ बता देंगे तो दिक्कत नहीं है। सर आपके पास भी अभी तक कोई सूचना है ही नहीं? नहीं, अभी ग्रुप डी के बारे में नहीं है भाई। जी जी, चलिए सर, मैं यही पूछ रहा था, थैंक यू सर। जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग में सुना है कि वहाँ पर साफ साफ उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, हाँ जो नेक्स्ट नंबर है वो इसी एग्ज़ाम का है, यही एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही बताना था, यही अपडेट था, बाकी कोई भी अगर अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।